एक्टर आपके साथ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला होगा, कैसा समझते हैं फिल्म की इस रिलीज को? प्रोड्यूसर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, तो खुद बहुत आर्टिस्टिक तबीयत के इंसान हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरह की खुद उनकी पर्सनैलिटी है उसी तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ बनाएंगे। अदनान भाई सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो जब अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही बनेगा जैसा वो खुद काम करना पसंद करते हैं इंशाल्लाह। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईद पर फिल्म रिलीज़ हो रही है, दीगर फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, कितना ज़्यादा खुशाइंद है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के? देखिए, सबसे पहले तो ये दुआ है कि ये COVID-19 वाला ड्रामा दोबारा ना आए और जिस तरह चीज़ें प्लान की जा रही हैं उसी तरह एग्जीक्यूट हो जाएँ, बिकॉज हालात का कुछ पता नहीं होता, कोई भी 19-20 हो सकती है चीज़, लेकिन फिर हाल हम खुशगुमानी करते हुए, अच्छे की उम्मीद करते हुए चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रमज़ान पे उसी तरह रिलीज़ हो जिस फैनफेयर और जिस ढोल धमाके के साथ ये होने जा रही है, और उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है। फिल्म्स तो आपको पता है कि पब्लिक ही बताती है कि क्या बनेगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हो और ईद पर और उसके बाद चार चांद लगाए सिनेमाघरों को।